न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर के गवारी घाटी में रविवार की रात एक सांबर घायल अवस्था में पाया गया। स्थानीय पुलिस ने सांबर के मिलने की सूचना फॉरेस्ट के अधिकारियों को दी है। वही फॉरेस्ट के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल सांबर का प्राथमिक उपचार किया। गवारी घाटी थाना प्रभारी विजय परस्ते ने बताया कि सिद्धघाट के पास स्थित एक आश्रम के पास एक सांबर गंभीर अवस्था में पुलिस के कर्मचारियों को दिखाई दिया है। वही कर्मचारियों ने इस बात की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी है। अधिकारियों ने सांबर की सूचना फॉरेस्ट के अधिकारियों को दी है। बताया जाता है कि जंगल से भटक कर सांबर भोजन की तलाश में शहर की तरफ आ गया है। वही शहर में आने के बाद कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया है तो वह घायल हो गया। बहरहाल सांबर की हालत बेहतर बताई जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये करीब अभी से आधा घंटा पहले हमारे डायल हंड्रेड में तैनात सैनिक राहुल कुमार गुप्ता ने फोन करके मुझे बताया कि सर उसको सूचना मिली थी कि ये खारी घाट से दाहिनी तरफ जो एक आश्रम है वहां पर एक घायल सांबर को पकड़ा हुआ है। तो उसने जैसे ही मुझे सूचना दी मेरे द्वारा तुरंत फॉरेस्ट से संपर्क किया गया, वहां के अधिकारियों से संपर्क किया गया। उनसे संपर्क करने पर ये पाया कि जो टीम घूम रही है वो इसी तरफ है और फिर उनसे संपर्क होने के बाद तुरंत यहाँ पर हम ये फॉरेस्ट की जो वाहन है और उसमें जो चालक है जो देख रेख करने वाले वन विभाग से संबंधित वो अमला हमारे साथ में आया है और यहाँ पर पहुंच करके तुरंत उन्होंने जो भी उनके रेस्क्यू के जो कार्य थे उसको टिंचर लगाना या दवा देना या आयुर्वेदिक जैसे नीम की पत्ती वगैरह लगा करके उसको दवा दी जा रही है और अभी बिल्कुल स्वस्थ है सांबर। इसमें मुख्य बात यह है कि यहाँ पर जो आश्रम में निवास कर और जो पूजा अर्चना और ध्यान करने वाले जो भी हमारी दीदी हैं उन्होंने बिल्कुल अपनी स्फूर्ति का जो परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह जो भी और जिस भी तरह की अन्य प्रकार की कोई भी ऐसी घटना हो और उसकी तुरंत हमें सूचना मिले और हम उसमें जो सफल। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।